अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर गुड, यू आर बेटर एंड एनर्जेटिक। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, वर्ड्स मीनिंग से रिलेटेड है, इंग्लिश के डेली सेंटेंस से रिलेटेड हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग जो आप अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। उसके साथ जैसे कि आप जानते हैं कि आपके यू का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने वाला है और आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होने वाली है। स्पेशली न्यू स्टूडेंट जिनको नहीं पता कि कोर्स सिलेक्शन हम किस तरह करते हैं, वो भी वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। डेट शीट कैसे बनाते हैं, सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मैं अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ न्यू सेमेस्टर के हवाले से, ये न्यू अपकमिंग सेमेस्टर के हवाले से कोई अनाउंसमेंट हो, असाइनमेंट, क्विज, GDB रिजल्ट जो है मैं आपको दूंगी, सोल्यूशन उनका दूंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को आप लोग लाजमी बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की जो लेसन है डेली रूटीन की वोकेबलरी है जो हम बोलते हैं, कैबिनेट, कैबिनेट हम बोलते हैं अलमारी को, अपने घर की जो अलमारी होती है उसको हम अंग्रेजी में अलमारी नहीं बल्कि कैबिनेट बोलेंगे। नेक्स्ट है क्रॉकरी पॉट, बर्तन, यानी कि आपके क्रॉकरी पॉट में आपके किचन के कोई भी बर्तन आ सकते हैं, बर्तन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप अक्सर कहते हैं कि हमने बाज़ार जाना है बर्तन लेने, आपके किचन का कोई भी डिनर सेट या कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आपने क्रॉकरी या पॉट बोलना है। पॉट, क्रॉकरी पॉट जो है बर्तन है, ये दोनों लफ्ज़ आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे है नाइस, भांजी या भतीजी, जो आपकी भांजी या भतीजी होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं नाइस। नेक्स्ट है ब्लेप, इसको बोलते हैं छाला, कि अगर आपका हाथ जला है या कोई चीज़ लगी है आपके हाथ पे छाला बन गया है तो उसको इंग्लिश में आप कहेंगे ब्लेप। उसके बाद गावा जो है आपका एक फ्रूट है जो आप खाते हैं जिसका नाम है अमरूद, उसको बोलते हैं गावा। पोमियोजर्नेट जो है अनार को बोलते हैं, पोमियोजर्नेट अनार आपका खाने वाला है उसको बोलते हैं, फ्रूट है ये भी, पोमियोजर्नेट। नेक्स्ट है ब्रिंजल, बैंगन, ये आपकी सब्जी है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद है ग्रेन्स, आपके चने, ये भी आपकी सब्जी मतलब डेली रूटीन के खाने में ही आएगी, चने को इंग्लिश में आप बोलेंगे ग्रेन्स। स्नीज, आप जब छींकते हैं, जब आपको छींक आती है तो उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं स्नीज, इसका मीनिंग है छींक। नेक्स्ट है काइनामोन, चीनी, जो आप इसमें कहवा वगैरह में और उसमें राइस वगैरह में यूज़ करते हैं, काइनामोन दालचीनी। उसके बाद सिरकमस्टांसेस, कंडीशन, यानी कि हालात, कि कैसे हालात हैं, आपको इन हालात की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, आज हालात अच्छे हैं कल बुरे हैं, ये इससे रिलेटेड आएगा। कंपैशनेट, हमदर्द, यानी कि किसी दूसरे के साथ हमदर्दी करना और उसके साथ उसकी दिल का हाल बांटना, उसके साथ अपना गम शेयर करना। डिसोबीडियंट, ना फरमान, बात ना मानने वाला, अपने वालदैन की, अपने टीचर्स की, उसको बोलते हैं कि डिसोबीडियंट, ना फरमा बरदार, बात ना मानने वाला। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सादा, सादा गो, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि आप सीधा जा रहे हैं, या कोई इंसान है बिल्कुल सादा है, उसको इतनी समझ नहीं आती, सीधा सादा है, सादा गो है, ये लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है खुदगर्ज, यानी कि अपने बारे में सोचने वाला, दूसरों के बारे में ना सोचने वाला। तो ये थी आपकी वीडियो, तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ये लाजमी आपने बताना है। इसमें कैबिनेट हो गया, क्रॉकरी हो गया, पोर्ट, नाइस, ब्लैब, गावा, पोमियोजर्नेट, ब्रिंजल, ग्रेन, स्नीज, काइनामोन, सिरकमस्टांस, कंडीशन, कंपेशनेट, डिसोबीडियंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेल्फिश, ये थे आज के सेंटेंस वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मैंने आपको कुछ बताए और उनके मीनिंग बताए कि ये आपको डेली लाइफ में यूज़ करने होते हैं, उन्हीं की मैंने इंग्लिश बताई कि आप इंग्लिश में इनको ये प्रोनाउंस करेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे इन्हीं चीज़ों को, आप प्रैक्टिस में डेली लाइफ में नहीं बोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, इट्स योर सेकेंड नेटिव लैंग्वेज। तो ये हमारी नेटिव नहीं है बल्कि सेकेंड जो है नेटिव है, हमें इंटरनेशनल लेवल पर बोलने के लिए या अपनी स्टडी करने के लिए ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, काफ़ी हेल्पफुल देती हैं हमें।
तो ये हमें लाजमी जो है, कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको लाजमी पता होने चाहिए, वही मैंने आपको इस जो आपका फ्री पीरियड था, फ्री जो मंथ था, मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की। होप्स हो के यू आर अंडरस्टैंड, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी और आप लोगों को मैंने बताई तो मुझे भी आई। तो वीडियो तो आपको यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी, जहाँ स्टार्ट से लेकर मेरी वीडियो एंड तक पूरे मंथ की कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने का मिला होगा। इसके अलावा वीयू की जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो उनके असाइनमेंट, क्विज, जीडीपी रिजल्ट, करंट पेपर, मिड टर्म पेपर, फाइल सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, न्यू भी मैं अपलोड करूँगी। इसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।